never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Hi Armies, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला. आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में. ये द इमॉर्टल लव का चैप्टर 15 है. चैप्टर 14 में हम लोग देखे थे कि तेयांग जंगकुक की वाइफ थी. वो फिर से रिबॉर्न होके ते के रूप में जन्म ली है और फिर से जंगकुक के लाइफ में आ चुकी है. तो ये वाला मिसअंडरस्टैंडिंग जो कुछ भी था वो चैप्टर 14 में क्लियर हो गया था. अब देखते हैं आगे क्या होता है. तो फिर शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 15. मैंने तुम लोगों का सारा बात सुना. प्लीज अंकल बोलिए, ये सब झूठ है ना? सब झूठ है ना? नहीं, सब कुछ सच है. उस रात को जब हम तुम्हारे गांव पे हमला किए थे तब प्लान यही था कि जाओजैन को खत्म करना, लेकिन वो चालाक जाओजैन हमारे हाथ से बच के भाग निकला. उसके मदद से हम नरक का दरवाजा खोल के डेविल किंग को बाहर इस दुनिया में लाते, लेकिन वो जाओजैन बहुत चालाक और ताकतवर भी है. धोखे से वो भाग निकला. मुझे पता था वो बाद में तुम लोगों को बचाने जरूर आता, लेकिन मैंने वो मौका ही नहीं छोड़ा. तुम्हारे मॉम को मारने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो औरत बहुत चालाकी दिखा रही थी, इसीलिए वो उस बेचारे इंसान को हमें मारना पड़ा. और देन रह गई तुम. मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पे लाया था और ट्रेनिंग दिया था ताकि तुम उस जाओजैन की बेटी हो, उस नरक का दरवाजा तुम भी खोल सकती हो, लेकिन वो कमीना जाओजैन तुम्हारे पावर को लॉक कर दिया था. हम चाह के भी वो लॉक को अनलॉक नहीं कर पा रहे थे, फिर भी मैंने तुम्हें जिंदा रखा. तुम बहुत खूबसूरत हो, स्काई बेंडर्स को फंसाने में तुम काम आती, और देखो तुमने अपना काम इतने अच्छे से किया. और रही बात तेयांग वाला किस्सा, वो मैं सच में नहीं जानता था. ऑन गॉड, मैं सच में नहीं जानता था. अब समझ में आया कि हमारे पूर्वज कहते थे कि बेंडर प्रिंस का ताकत आधा हो गया था जब उसने अपने वाइफ को खो दिया था. इसका सेलिब्रेशन तो हम आज भी करते हैं, और तुम भी सेलिब्रेशन में हिस्सा ली थी, तुम्हें याद है? वो जंग हमारा सबसे सक्सेसफुल जंग में से एक था. प्रिंस को रोते हुए देखना ये तो नसीब का बात है, और तुम्हारा तेयांग का शक्ल के साथ पैदा होना ये भी डेस्टिनी है. A good destiny for us. अरे बाबा, तुम रो क्यों रही हो? रो मत, मैं तुम्हें कम दर्दनाक मौत दूंगा. तुम्हें यहां पे रखने का फायदा ही तो ये है, तुमने मेरा बहुत अच्छा काम किया. आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा डिग्निटी भी. मैं आपको अपने मॉम डैड समझती थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों? मैं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ी थी, तो मैं क्यों? 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 क्यों आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया? Shut up! पड़ी रहो इसके साथ. सही समय आने पर तुम्हें फ्री कर दिया जाएगा, पूरी जिंदगी के लिए सुकून का नींद मिलेगा. ये मैंने क्या कर दिया?
लव, सब कुछ, सब कुछ कह दिया। यहाँ मैं क्या करती मैं? दी, खुद को संभालो, प्लीज। I'm sorry, Jungkook. I'm sorry. मेरे वजह से। I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। नो दी, रिलैक्स, कोई बात नहीं, इधर आओ। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। प्लीज काम डाउन, रिलैक्स बेबी, सब ठीक है, रिलैक्स। डोंट टच मी जंगकुक, प्लीज डोंट टच मी। मैं तुम्हारा पैम्पर डिजर्व नहीं करती हूँ। मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया, अपने प्यार को धोखा दिया। प्यार को मतलब क्या तुम भी? हाँ, जंगकुक, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी थी। खुद को बहुत रोका था कि प्यार ना हो, लेकिन तुम में कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन अब इस सब का क्या फायदा? Now you hates me, मैंने प्यार को खो दिया। No, dear, no. I don't hate you. Actually, I can't hate you. तुम मेरी प्यांग हो। मैं तुम्हें कैसे हिट कर सकता हूँ, बेबी? कभी नहीं। तुम इधर आओ, मेरे पास आओ। तुम No, Jungkook. I'm not प्यांग। उसके साथ मुझे कंपेयर करके उसको नीचा मत दिखाओ। She was pure-hearted. And look at me. I'm a disgusted person who cheated on you, who betrayed on you. Please. No, baby. इधर आओ। You are my only love. You are as pure as my love. तुम खुद ही नहीं जानती थी कि तुम क्या कर रही थी। इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, बेबी। ये सब उस डार्क लॉर्ड का खेल है। ये सब उसी का चाल है, बेबी। I know you very well, my baby. उस रात को हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, वो कोई प्लान नहीं था। I feel your warmness, I feel your love. सब कैसे कह सकती हो तुम कि तुम मेरी त्याग नहीं हो? जंगकुक, प्लीज मुझसे नफरत मत करना। प्लीज डोंट लीव मी। मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। प्लीज डोंट लीव मी। नो बेबी, आई नेवर लीव यू। यू आर माइन, ओनली माइन। रियली, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो? Yes, because I truly love you and I know you loves me more. Yes, Jungkook, I love you. I love you so much. लेकिन Jungkook, अब हम क्या करें? यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में हैं और विंडो से भी कूद नहीं सकते। तुम यहीं पे रुको, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की। तुम बस मेरे पास रहो। इतनी देर में मेरे फैमिली को पता भी चल गया होगा कि मैं गायब हूँ। वो जरूर हमें बचाने आएंगे। बट Jungkook, वो तुम्हें बचाने आएंगे, मुझे नहीं। उनके लिए तो मैं एक बिट्रेटर हूँ ना। मैंने धोखा दिया है। मैं उन्हें कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगी, Jungkook? ओ बेबी, इधर आओ, मेरे पास आओ। तो इतना क्यों सोचती हो? माय डम्बो, माय क्रैकेट, माय प्यारी सी क्रैकेट। अब तक तो मेरे फैमिली को अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ।
और मेरी फैमिली भी तुमसे बहुत प्यार करती है। होबी अंकल ने चक्र कंप्लीट भी करके फ्यूचर के बारे में पता भी लगा लिया होगा और उन्हें तुम्हारे बारे में पता भी लग गया होगा, तो बेफिक्र रहो, वो आते ही होंगे। जंगकुक, I'm really sorry, मैं Don't say sorry, baby. It's okay. मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूँगा। अब मेरे लिए स्माइल कर दो। That's my girl, my sweetheart. तो तुम एक वेयरवुल्फ हो? हाँ, क्यों? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? ना, बस एक बात सोच रहा हूँ। कौन सी बात? हाँ, मैं एक इमॉर्टल इंसान हूँ और प्यार भी हुआ है एक वेयरवुल्फ से। मेरी किस्मत में नॉर्मल चीजें लिखा हुआ ही नहीं है। हाँ, नॉर्मल? शुगा, ये जानने के बाद भी कि मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? करोगे का क्या मतलब है जिमिना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई डोंट केयर कि तुम वेयरवुल्फ हो या फिर वैम्पायर। हाँ, बस वैम्पायर होती तो मैं तुम्हें अपना खून पीने नहीं देता। वो तो मैं अभी भी पी सकती हूँ मिस्टर शुगा। हैं? ओह हाँ, भूल गया था, वैसे फुल मून तो खत्म हो चुका है और मून भी अभी रेडी नहीं है, तो मैं क्या सेफ हूँ तुम्हारे साथ? ओह शुगा, मैं ह्यूमन हंटिंग नहीं करती हूँ। बेचारे फॉरेस्ट के एनिमल्स को मार के खाना पड़ता था, लेकिन मैं अभी खुद को कंट्रोल करना सीख गई हूँ। अभी तो कुछ सालों से एनिमल भी हंटिंग नहीं करती हूँ, इंसानों की तरह खाना पीना रहना सब कुछ सीख चुकी हूँ। और हाँ, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियस मत लो। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम ते पे कब से नजर रख रही हो और हम पे भी? देखो, मैंने करीब करीब एक साल पहले देखा था, वो तुम लोग पे चुप चुप के नजर रखती थी, तो मुझे ये चीज बड़ा अजीब लगा था, तो इसलिए मैं उस पे भी नजर रखना शुरू कर दी थी। और तुम दोनों तो 2 साल पहले ही मेरे आंखों के सामने आए थे, तब से ही मैं तुम लोगों के बारे में सबसे पूछ के सब कुछ पता लगाई और तुम लोग पे नजर रखा। तब पता चला कि तुम लोग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो मैं भी कॉलेज में एडमिशन ले ली। वाओ, मेरी जीवनी तो बहुत स्मार्ट है। और नहीं तो क्या, और तब से ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी थी। हम वेयरवुल्फ अपने मेट को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन मेरा कोई मेट नहीं रहा, तो मैं तुमको अपना मेट चुनी थी। उस रात को इवेंट टाइम में मैंने तुमसे पूछे बिना ही तुम्हें मार्क किया था। तब से लेके पूरी जिंदगी अब सिर्फ तुम मेरे हो, ओनली माइन। प्लीज गुस्सा मत करना शुगा, मुझे शायद तुमसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी। I'm sorry शुगा। क्यूट, मुझे तुम्हारा पॉजिटिवनेस बहुत अच्छा लगा जिमिनी, हमेशा मुझे ऐसे ही जकड़ के रखना, आई लव दैट। शुगा, बहुत हो गया, अभी ये सब नहीं, फोकस, हमें जल्दी ही नॉन बेंडर पैलेस में पहुंचना पड़ेगा। बस थोड़ी देर और ना बेबी, प्लीज। नो हनी, ये सब का बहुत टाइम मिलेगा, चलो जल्दी, प्लीज ना बेबी। ऑन योर कमांड बेबी। शुगा, हम अगर ऐसे ही चलते रहे तो पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग जाएगा, हम बहुत धीरे चल रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? राइट, हाँ यही सही रहेगा, राइट। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो, और ये राइट क्या है? हाँ, ज्यादा कुछ नहीं शुगा, मैं अपने एनिमल स्ट्रक्चर में आ रही हूँ, ठीक है, डरना मत। जिमिन, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो जिमिना, आई रियली लव यू जिमिना, आई रियली लव यू।
की स्टोरी बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट अबाउट सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज जाके फॉलो कर लेना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय। Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people.